हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि शुरू होने वाली है इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई व्रत वाले नरम नरम आलू के पराठे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप सफर पे जा रहे हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस पराठों को दोगे तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होकर खाएंगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर दो उबले हुए आलू डालेंगे। उबले हुए आलू का हमने छिलका पहले से ही उतार दिया है। अब इन आलू को हम मैशर की सहायता से बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लेंगे। दोस्तों, आलू को पीसते हुए ध्यान रखेगी इसके अंदर आलू का जरा सा भी मोटा पीस नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो आलू को ग्रेटर की सहायता से भी घिस सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम 3/4 कप राजगिरी का आटा डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सांकी के चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उसके भी पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च को बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, ताजा कटा हुआ बारीक हरा धनिया और अब हम इसमें 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे, जिसका हमने पहले से ही पाउडर बनाकर रख लिया था। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाते हुए इसका एक आटे की तरह टाइट डो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारे को पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको ऐसे ही गुथते हुए इसका डो बनाना है। ये देखिए दोस्तों, आलू के मॉइस्चर की वजह से ही हमारा डो अपने आप ही लगना शुरू हो रहा है। अब इसको हम ऐसे ही अच्छे से मसलते हुए इसका टाइट डो बना लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून देसी घी का डालेंगे। देसी घी डालने से एक तो हमारे आटे के अंदर एक अच्छा सा मॉइस्चर आएगा तो हमारे पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे, दूसरा हमारे आटे के अंदर जो स्टिकीनेस है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, इससे हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। दोस्तों, आटे के 10 मिनट रेस्ट करने के बाद आइए अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी अच्छे से लोई बना लेंगे। अब इसको हम राजगिरी के आटे में ही अच्छे से लपेट लेंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी राजगिरी के आटे की भी रोटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेल रही है, जैसे कि हम गेहूं के आटे की रोटी बेलते हैं। इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। दोस्तों, अगर आपसे गोल रोटी नहीं बनती है और आप बिल्कुल गोल गोल रोटी चाहते हैं तो आप किसी स्टेंसल या ढक्कन की सहायता से इसको बीच में रखकर इसको बिल्कुल गोल शेप में काट सकते हैं। अब हम तवे को बिल्कुल अच्छे से तेज गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे और इसके ऊपर देसी घी लगाते हुए इसको अच्छे से पराठे की तरह सेक लेंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर नवरात्र की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज डाल रखी हैं जो आप नवरात्र वाले व्रत में खा सकते हैं, तो आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके लिंक देख सकते हैं। अब हम पराठे के दोनों साइड अच्छे से घी लगाते हुए भी इसको बढ़िया तरीके से करारा कर लेंगे। दोस्तों, आप इन पराठों को व्रत वाले आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारा पराठा सिकता जा रहा है और ये कितना ज्यादा क्रिस्पी होता जा रहा है। जितना ज्यादा ये क्रिस्पी बनेगा उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पराठा दोनों साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से करारा हो चुका है। अब इसको हम गैस पे से उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पराठा कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। आइए अब हम आपको इसको थोड़ा सा फोल्ड करके भी दिखाते हैं कि अंदर से कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पराठा कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है। इसे किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े लोग। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हुए एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय बाय।